हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इस सेशन में। मेरा नाम बेनिसन है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप जोहो पेरोल को आसानी से सेटअप करके अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरी पेमेंट जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जोहो पेरोल एक क्लाउड बेस्ड पेरोल सॉफ्टवेयर है जिससे आप ऑटोमेटिकली सैलरी, टैक्स और डिडक्शंस का हिसाब कर सकते हैं। हर महीने आपके एम्प्लॉयज़ का पे स्लिप बना सकते हैं और पेरोल से जुड़े बाकी अहम काम भी पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जोहो पेरोल को आसानी से सेटअप करके इसमें अपना पहला पेरन जल्द से जल्द कर सकते हैं। इस वीडियो में जिन विषयों को जानेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल को सेट करना, अपने एम्प्लॉयज की पूरी जानकारी जोहो पेरोल में लाना, सैलरी, टैक्स और स्टैट्यूटरी कंपोनेंट जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह को कैसे कॉन्फिगर किया जाए, और सबसे जरूरी जोहो पेरोल से आप अपना पहला पेरन कैसे करेंगे। शुरू करने के लिए आप अपने जोहो पेरोल अकाउंट में साइन इन करें। साइन अप करने के बाद आप अपने होम पेज पर आ जाएंगे जहां आपको कंपनी से जुड़े पेरोल डिटेल्स का ओवरव्यू देखने को मिलेगा। यहां डिडक्शन समरी में आप ईपीएफ, ईएसआई और टीडीएस डिडक्शंस का सारांश देख सकते हैं। एम्प्लॉय समरी में आप अपने कंपनी के टोटल एक्टिव एम्प्लॉयज देख सकते हैं और पेरोल कॉस्ट समरी में आप अपने कंपनी के द्वारा किए गए पेरोल का मूल्य ग्राफिकल फॉर्मेट में देख पाएंगे। इसके अलावा आप बार्स में माउस एरो रख के इनका डिटेल्स भी देख सकते हैं। यहाँ टू डू टास्क सेक्शन में आप रीइंबर्समेंट क्लेम अप्रूवल, एम्प्लॉय एग्जिट या प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रूवल से जुड़े अधूरे काम को भी देख पाएंगे। बाएं दिए गए साइड बार से आप जोहो पेरोल के सभी अलग अलग मॉडल एक्सेस कर पाएंगे। एम्प्लॉयज मॉडल आपके एम्प्लॉयज की जानकारी इकट्ठा करने देता है। पेरेंट्स मॉडल में आप एम्प्लॉयज के लिए हर महीना पेरोल प्रोसेस करके उनकी सैलरी क्रेडिट कर पाएंगे। इस मॉडल से आप एम्प्लॉयज के फुल एंड फाइन सेटलमेंट भी कर पाएंगे। अप्रूवल्स मॉडल में आप अपने एम्प्लॉयज के हर रीइंबर्समेंट क्लेम, इन्वेस्टमेंट प्रूफ और सैलरी इंक्रीमेंट को अप्रूव कर सकते हैं। टैक्सेस एंड फॉर्म्स मॉडल से आप अपने टीडीएस फाइलिंग को ट्रैक कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज के लिए फॉर्म 16 जनरेट कर पाएंगे। अगर आपने एम्प्लॉयज को लोन अदा किए हैं तो आप उन्हें लोन्स मॉडल में रिकॉर्ड करके हर महीने के किस्त ऑटोमेटिकली उनके सैलरी से काट सकते हैं। इसके अलावा पेरोल संबंधित रिपोर्ट्स आप रिपोर्ट्स मॉडल से एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल को हम कैसे कॉन्फिगर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का लोगो अपलोड कर सकते हैं जो कि आपके पे स्लिप्स और टीडीएस वर्कशीट में डिस्प्ले होगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम और इंडस्ट्री टाइप आप यहां से अपडेट कर सकते हैं। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस और फाइलिंग एड्रेस आप यहां एंटर कर सकते हैं। अंत में अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस यहां अपडेट करेंगे। ये ईमेल एड्रेस जोहो पेरोल से भेजे जाने वाले सभी नोटिफिकेशन में इस्तेमाल होगा। यदि आपका बिजनेस अलग अलग जगहों से चलता है तो आप उनका पता इधर जोड़ सकते हैं जिससे एम्प्लॉयज का प्रोफेशनल टैक्स, लेबर वेलफेयर फंड जैसे स्टेट से जुड़े स्टैटरी डिडक्शंस की कटौती सिस्टम ऑटोमेटिकली ही कर देगा। जोहो पेरोल को इस्तेमाल करके आप स्टैटरी डिडक्शंस जैसे कि ईपीएफ, ESI, प्रोफेशनल टैक्स और लेबर वेलफेयर फंड को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड सेटअप में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का ईपीएफ नंबर एंटर करेंगे। यहां आप एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन रेट सेट कर सकते हैं जिसमें आप 12% ऑफ एक्चुअल पीएफ वेज या रिस्ट्रिक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन 15,000 रुपीज ऑफ पीएफ वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको एम्प्लॉयर का ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन रेट एम्प्लॉयज के सीटीसी में जोड़ना है तो आप इंक्लूड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सीटीसी ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। साथ ही एम्प्लॉयज ईडीएलआई और एडमिन चार्जेस भी सीटीसी में जोड़ा जा सकता है। अगर आपको कुछ चुने एम्प्लॉयज का ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन रेट बदलना है तो आप ओवरराइड पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन रेट एट एम्प्लॉय लेवल ऑप्शन एनेबल करके बदल सकते हैं। अगर आपने रिस्ट्रिक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन 15,000 रुपीज ऑफ पीएफ वेज ऑप्शन चुना है और आपको एम्प्लॉयज का ईपीएफ उनके वर्किंग डेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो आप प्रोरेट रिस्ट्रिक्टेड पीएफ वेज ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। पेरन प्रोसेस के दौरान किसी एम्प्लॉयज के लॉस ऑफ पे डेज के वजह से एम्प्लॉयज का पीएफ वेज
अगर 15,000 से घट जाता है और अगर पीएफ 15,000 पीएफ फेज पर कैलकुलेट किया जाना है तो बाकी अलाउंस से इसको पीएफ फेज में जोड़ने के लिए आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन को बेहतर तरीके से जानने के लिए आप सैंपल कैलकुलेशन यहां से चेक कर सकते हैं। ईएसआई एक सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा योजना है जो उन एम्प्लॉयज पर लागू है जिनका मासिक वेतन 21,000 या उससे कम हो। ईएसआई कॉन्फ़िगरेशन में आप यहां ईएसआई नंबर देंगे, ईएसआई एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन रेट और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन रेट यहां से आप चेक कर सकते हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन को एनेबल करके ईएसआई एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन सीटीसी में जोड़ा जा सकता है। जोहो पेरोल एम्प्लॉयज के वर्क लोकेशन के हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट कर सकता है। प्रोफेशनल टैक्स के स्लैब्स जानने के लिए आप यहां दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह लेबर वेलफेयर फंड भी ऑटोमेटिकली स्टेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट, डिडक्शन साइकिल वगैरह इस पेज पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं सैलरी कंपोनेंट्स पर। यहाँ आप एम्प्लॉयज के सैलरी में आने वाले सभी कंपोनेंट्स को आपकी कंपनी के हिसाब से आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि अर्निंग्स, डिडक्शंस और रीइंबर्समेंट्स। अर्निंग्स में आप फिक्स पे और वेरिएबल पे अर्निंग कंपोनेंट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके लिए ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करें। अर्निंग्स पर आप अर्निंग टाइप चूज कर लेंगे। अब यहाँ हम अर्निंग नेम एंटर कर लेंगे। कैलकुलेशन टाइप आप चूज कर सकते हैं, फ्लैट अमाउंट या परसेंटेज ऑफ बेसिक। अदर कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में आप देख सकते हैं कैलकुलेट ऑन प्रोरेटा बेसिस। अगर आपको एम्प्लॉयज के वर्किंग डेज के हिसाब से अर्निंग कैलकुलेट करना है तो आप इसे एनेबल रख सकते हैं। अगला है इंक्लूड दिस एज अ फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान कॉम्पोनेंट। यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान है तो आप इसे कॉम्पोनेंट क्रिएट करते समय एनेबल कर सकते हैं। आप कंपोनेंट को ईपीएफ कंट्रीब्यूशन और ईएसआई कंट्रीब्यूशन के लिए भी जोड़ सकते हैं। अंत में आप इस कंपोनेंट को एक्टिव मार्क करके सेव कर लेंगे। डिडक्शंस में दो प्रकार के डिडक्शंस हैं, प्री टैक्स डिडक्शंस और पोस्ट टैक्स डिडक्शंस। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने से पहले किए जाने वाले डिडक्शंस जैसे कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, मेडिक्लेम डिडक्शन, एनपीएस को आप प्री टैक्स डिडक्शन में क्रिएट कर सकते हैं। और जो डिडक्शन इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के बाद किए जाते हैं वो आप पोस्ट टैक्स डिडक्शंस में क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि नोटिस पे एम्प्लॉयज के सैलरी से कोई जुर्माना डिडक्ट करना हो वगैरह। प्री टैक्स डिडक्शन कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए आप ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करके प्री टैक्स डिडक्शन को चूज करें। यहां आप प्री टैक्स डिडक्शन को डिडक्शन प्लान के साथ जोड़ सकते हैं जिसके अंतर्गत टैक्स एग्जेम्पशन प्राप्त होगा। अभी हम डिडक्शन का नाम एंटर कर लेंगे। यदि आपको एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन सीटीसी में जोड़ना है तो आप इंक्लूड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सीटीसी ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। एम्प्लॉयज के वर्किंग डेज के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट ऑन प्रो रेटा बेसिस ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं और एक्टिव मार्क करके सेव कर लेंगे। इसी प्रकार आप पोस्ट टैक्स डिडक्शन कॉम्पोनेंट को भी क्रिएट कर सकते हैं। रीइंबर्समेंट टैब में आप फ्यूल रीइंबर्समेंट, ड्राइवर रीइंबर्समेंट जैसे कॉम्पोनेंट चेक कर सकते हैं जो एम्प्लॉय के सैलरी के भाग होंगे। अगर एम्प्लॉयज के सीटीसी में रीइंबर्समेंट कॉम्पोनेंट है तो आप इन्हें यहां से कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अब जैसे हमने सैलरी कॉम्पोनेंट्स क्रिएट कर लिए, इसके बाद हम आसानी से सैलरी स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। जोहो पेरोल में आप अपनी कंपनी के अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर्स को बड़ी आसानी से बनाकर अपने एम्प्लॉय के साथ जोड़ सकते हैं। सैलरी टेम्पलेट्स फीचर इसमें आपको अधिक से अधिक समय भी बचाता है। सैलरी टेम्पलेट को इस्तेमाल करके आप पहले अपने जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के सैलरी स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर आप एम्प्लॉयज को ऑनबोर्ड करते समय इन टेम्पलेट्स को एम्प्लॉय के साथ आसानी से जोड़ सकते हैं। सैलरी टेम्पलेट बनाने के लिए क्रिएट न्यू पर क्लिक करें, टेम्पलेट का नाम ऐड कर लें, बाएं तरफ दिए गए अर्निंग, रीइंबर्समेंट्स, एफबीपी कंपोनेंट्स, डिडक्शन कंपोनेंट्स को टेम्पलेट में ऐड कर लेंगे, फिर अंत में इसे सेव कर लेंगे। अगला है टैक्सेस सेक्शन।
जहां आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का पैन, टैन, टीडीएस सर्कल, एओ कोड एंटर कर सकते हैं और अंत में टैक्स डिडक्टर डिटेल्स ऐड कर लेंगे। ये सभी डिटेल सिस्टम में फॉर्म 16 जनरेट करने के लिए जरूरी हैं। पे स्केड्यूल में आप ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग वीक, मंथली सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाना है, पे डे और अपना फर्स्ट पे पीरियड मंथ वगैरह कॉन्फिगर कर सकते हैं। ये करने के बाद जोहो पेरोल ऑटोमेटिकली हर महीने का पेरोल शुरू करने के लिए तैयार रहेगा। जोहो पेरोल आपको पेरोल से जुड़े काम को अलग अलग यूजर्स के साथ बांटने की सुविधा देता है। इससे हर महीने आपका पेरोल बहुत ही आसानी से और कम समय में पूरा हो जाता है। यूजर्स एंड रोल्स में आप यूजर्स को अपने जोहो पेरोल ऑर्गेनाइजेशन में ऐड कर सकते हैं और उनको पेरोल से जुड़े अलग अलग तरह के रोल्स भी दे सकते हैं। यदि आप अपने कंपनी के नियमों के अनुसार एक्सेस परमिशन बदलना चाहें तो आप रोल्स ऑप्शन में जाकर इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में आपको अलग अलग प्रकार के पेस्लिप टेम्पलेट्स मिलेंगे, जिसमें से आपको किसी एक को चुनकर डिफॉल्ट सेट करना होगा। दिए गए ऑप्शन के साथ आप टेम्पलेट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फाइनल सेटलमेंट पेस्लिप का फॉर्मेट भी आप यहां से चेक कर पाएंगे। अब आप अपना एचआरएमएस, पेरोल, अकाउंटिंग एक जगह में मैनेज कर सकते हैं इंटीग्रेशन के माध्यम से। जोहो पीपल इंटीग्रेशन से आप अपने एम्प्लॉयज के मास्टर डिटेल्स, एलओपी डेज डिटेल्स पेरोल में ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। जोहो बुक्स इंटीग्रेशन से आप पेरोल ट्रांजैक्शंस और जर्नल एंट्रीज ऑटोमेटिकली जोहो बुक्स अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं। जोहो एक्सपेंस इंटीग्रेशन से आप अप्रूव किए गए एक्सपेंस रीइंबर्समेंट अमाउंट मंथली पेमेंट्स में प्रोसेस कर पाएंगे। और जोहो पेरोल में कनेक्टेड बैंकिंग फीचर की मदद से आप सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में एम्प्लॉयज के सैलरी क्रेडिट कर पाएंगे। इससे आप सैलरी डिसबर्समेंट प्रोसेस को पूरी तरह ऑटोमेट कर सकते हैं। ये सुविधा आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और एचएसबीसी बैंक के साथ मौजूद है और ये हमारे इंडियन डेटा सेंटर अकाउंट्स में उपलब्ध होगा। अब आइए देखें कैसे हम पेरोल से जुड़े काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। प्रेफरेंस के नीचे दिए गए एम्प्लॉयज पोर्टल ऑप्शन से आप एम्प्लॉयज के लिए पोर्टल एक्सेस एनेबल कर सकते हैं। एम्प्लॉयज पोर्टल के जरिए आपके एम्प्लॉयज मोबाइल ऐप से या वेब ऐप से उनके पेरोल से संबंधित सभी जानकारी देख सकते हैं और इससे जुड़े इनपुट्स भी दे सकते हैं। अगर आपको अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ जरूरी अनाउंसमेंट करने हैं तो आप वो भी यहां से एंटर करके पब्लिश कर सकते हैं। यहां आप एम्प्लॉयज के लिए फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान डिक्लेरेशन एनेबल कर सकते हैं। एनेबल करने के लिए आपको लॉक डेट सेलेक्ट करना होगा, जिस डेट से पहले एम्प्लॉयज को अपना एफबीपी डिक्लेरेशन सबमिट करना है। और यहां आप अलर्ट्स भी कॉन्फिगर कर सकते हैं, जैसे एफबीपी डिक्लेरेशन के रिलीज या लॉक होने की सूचना एम्प्लॉयज को ईमेल से ऑटोमेटिकली भेज दी जाएगी। इसी तरह रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए भी आप लॉक डेट सेट कर सकते हैं, जो कि हर महीने का लॉक डेट होगा और इसका रिमाइंडर्स भी एम्प्लॉयज को ऑटोमेटिकली भेज दिया जाएगा। आईटी डिक्लेरेशन सेक्शन में आप आईटी डिक्लेरेशन का लॉक डेट कॉन्फिगर करके अलर्ट्स और रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट सेक्शन में लॉक डेट, अलर्ट्स, रिमाइंडर्स के साथ साथ आप ये भी कॉन्फिगर कर सकते हैं कि फाइनल टीडीएस कैलकुलेशन के लिए कौन से महीने से प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट को माना जाएगा। अब चलिए देखें कि आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे जोहो पेरोल में जोड़ सकते हैं। एम्प्लॉयज मॉडल में आप अपने एम्प्लॉयज के डिटेल्स को अपडेट और मैनेज कर सकते हैं। एम्प्लॉयज को तीन अलग तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करके एम्प्लॉयज के डिटेल्स आप भर सकते हैं, या फिर आप इंपोर्ट ऑप्शन के जरिए अपने एम्प्लॉयज के डिटेल्स एक्सेल शीट में डालकर इसको सिस्टम में इंपोर्ट कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए सिस्टम में सैंपल इंपोर्ट फाइल भी सीएसवी और एक्सएलएस फॉर्मेट में दिए गए हैं। या अगर आप जोहो पीपल यूज कर रहे हैं तो आप इंटीग्रेशन के द्वारा एम्प्लॉयज के मास्टर डिटेल्स जोहो पेरोल पर ऑटोमेटिकली सिंक कर सकते हैं। एम्प्लॉयज के डिटेल्स जानने के लिए आप एम्प्लॉयज पर क्लिक करके उनके डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जैसे कि बेसिक डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पेमेंट इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉयज के स्टैटरी कॉम्पोनेंट्स भी आप यहां से एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं।
सैलरी डिटेल्स टैब में आप एम्प्लॉयज के सैलरी स्ट्रक्चर को चेक कर पाएंगे। आप सैलरी स्ट्रक्चर को यहां से एडिट या रिवाइज भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट टैब में एम्प्लॉयज का आईटी डिक्लेरेशन या प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। आप इन्हें यहां से एडिट या एम्प्लॉय की तरफ से अपडेट भी कर सकते हैं। यहां आप एम्प्लॉय के रीइंबर्समेंट्स का सारांश चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉयज के पे स्लिप्स, टीडीएस शीट, फॉर्म 16 आप पे स्लिप्स एंड फॉर्म्स टैब से चेक कर सकते हैं। लोन्स टैब में एम्प्लॉयज का लोन या सैलरी एडवांस का सारांश और उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य काम भी कर सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज के साथ डिडक्शन जोड़ना, आईटी डिक्लेरेशन, प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, रिलीज या लॉक करना, एम्प्लॉय का एग्जिट प्रोसेस करना और कई सारे और काम। अब हम जोहो पेरोल के सबसे अहम भाग पर आ चुके हैं। आइए जानते हैं जोहो पेरोल में आप कितनी सरलता से कुछ ही क्लिक से पेरोल प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेरोल तैयार स्थिति में है, बस क्रिएट पेरोल पर क्लिक करें। यहां हम देख सकते हैं जोहो पेरोल ने पहले ही आपके एम्प्लॉयज के सैलरी कैलकुलेट कर लिए हैं। इस पेज पर आप पेरोल कॉस्ट, एम्प्लॉयज नेट पे, पे डे, एम्प्लॉयज समरी और टैक्स और अन्य डिडक्शंस के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। पेरोल में आगे बढ़ने से पहले एम्प्लॉय के एलओपी डेज आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए एम्प्लॉय पर क्लिक करें, एड एलओपी पर क्लिक करके डेज एंटर कर सकते हैं या इंपोर्ट डेटा ऑप्शन यूज करके एक्सेल शीट से एम्प्लॉयज के एलओपी डेज इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आप सैंपल फाइल भी यहां से सीएसवी या एक्सएलएस फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने जोहो पीपल इंटीग्रेट किया है तो ये और भी आसान है। आपको सिर्फ फेच डेटा ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे एम्प्लॉय के एलओपी डेज और पेएबल डेज ऑटोमेटिकली पेरोल में सिंक हो जाएंगे। आप एम्प्लॉयज के बोनस, इंसेंटिव जैसे वेरिएबल अर्निंग्स या कैंटीन बिल या फाइन जैसे डिडक्शंस को एम्प्लॉय पर क्लिक करके जोड़ सकते हैं, या फिर आप इन्हें भी इंपोर्ट डेटा ऑप्शन के द्वारा इंपोर्ट करके एम्प्लॉय के साथ जोड़ सकते हैं। पेरोल के दौरान आप अगर पेरोल समरी या कंपैरिजन रिपोर्ट सिस्टम से निकालना चाहें वो भी आप यहां से कर सकते हैं। पेरोल के सारे डिटेल्स ऐड करने के बाद आप सबमिट एंड अप्रूव कर सकते हैं। अगर आपने जोहो बुक्स इंटीग्रेट किया है तो आप पेरोल जर्नल एंट्रीज को जोहो बुक्स के अकाउंट्स में पोस्ट करने का संकेत यहां से दे सकते हैं। पेरोल के डिटेल्स जांचने के लिए आप किसी यूजर को अप्रूवर का रोल भी दे सकते हैं और इनका समर्थन सिस्टम के द्वारा ही ले सकते हैं। पेरोल अप्रूवल के बाद आप एम्प्लॉयज का सैलरी क्रेडिट कर पाएंगे। यदि आपने डायरेक्ट डिपॉजिट का ऑप्शन चुना है तो आपको यहां इनिशिएट पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम के बाहर से सैलरी क्रेडिट करना चाहें तो आप यहां से बैंक एडवाइस फाइल डाउनलोड करके अपने बैंक में जमा करा सकते हैं। इस बैंक एडवाइस फाइल को आप बैंक के वेबसाइट में भी अपलोड कर सकते हैं अगर आपके बैंक ने यह सुविधा दी हो। सैलरी क्रेडिट करने के बाद आप रिकॉर्ड पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट डेट सेलेक्ट कर लें और सबमिट करें। इसके बाद एम्प्लॉयज को पेस्टिव नोटिफिकेशन ईमेल पहुंच जाएगी। तो देखा दोस्तों, जोहो पेरोल आपके पेरोल को कितना सरल और तेज बनाता है। पूरा किए गए सारा पेरोल आपको पेरोल हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने पहले से ही पेरोल प्रोसेस कर लिया है तो वो सारा डेटा आप आसानी से जोहो पेरोल पर माइग्रेट कर सकते हैं, जिसे हमें एम्प्लॉयज के ईयर टू डेट वैल्यूज और टीडीएस डिडक्शंस सटीक से कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अब हम देखेंगे प्रायर पेरोल डिटेल्स यानी जोहो पेरोल में आने से पहले किए गए पेरोल के डिटेल्स सिस्टम में कैसे ला सकते हैं। इसे हम तीन स्टेप्स में कर सकते हैं। पहले हम एम्प्लॉयज के डिटेल्स ऐड कर लेंगे, फिर प्रायर पेरोल डिटेल्स इंपोर्ट कर लेंगे, जिसके लिए आप सिस्टम से सैंपल फाइल निकाल सकते हैं, और आखिर में पेरोल समरी जांच कर सबमिट कर लेंगे। बस इन तीन स्टेप्स को पूरा करके साल के बीच में भी जोहो पेरोल में बड़ी आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं। हर एक कंपनी में पेरोल से जुड़े कई इनपुट्स होते हैं जिनके लिए अप्रूवल या समर्थन की जरूरत पड़ती है। जोहो पेरोल अप्रूवल्स मॉडल के द्वारा इस प्रक्रिया को हम ऑटोमेट कर सकते हैं।
अप्रूवल मॉडल से आप एम्प्लॉयज के रीइंबर्समेंट, प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट या सैलरी रिवीजन जो एम्प्लॉयज मॉडल में किए जाते हैं उन्हें आप जांच कर अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। अप्रूवल देने के बाद ये सारी जानकारी आपके पेरन में ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगी। इसके बाद आते हैं टैक्स एंड फॉर्म्स मॉडल पर। यहाँ आप हर महीने किए गए टीडीएस पेमेंट के डिटेल्स टीडीएस लाइबिलिटीज के अंदर रिकॉर्ड करके क्वार्टरली फॉर्म 24Q फाइल जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म 16 मॉडल से आप फॉर्म 16 को जनरेट करके एम्प्लॉयज को ऑटोमेटिकली भेज सकते हैं। फॉर्म 16 जनरेट करने के लिए फॉर्म 16 पार्ट ए फाइल आपको सिस्टम में अपलोड करना होगा जो आपको ट्रेसिस पोर्टल में मिलेगा। फॉर्म 16 पार्ट बी फाइल सिस्टम ही जनरेट कर देता है। जनरेट बटन को क्लिक करने पर जोहो पेरोल फॉर्म 16 पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर एक कंप्लीट फॉर्म 16 फाइल बना देगा। इसको आप सिस्टम से ही सिंगल क्लिक से डिजिटली साइन करके एम्प्लॉयज के पोर्टल में पब्लिश कर सकते हैं। अब मैं आपको जोहो पेरोल के एम्प्लॉय सेल सर्विस पोर्टल की ओर ले चलता हूं। ये जोहो पेरोल का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जिससे आपके एम्प्लॉयज अपने सैलरी और उससे जुड़े अन्य जानकारी को कभी भी और कहीं से भी देख सकते हैं। जब एम्प्लॉयज अपना सेल सर्विस पोर्टल का इनविटेशन एक्सेप्ट करके अपना जोहो अकाउंट सेट कर लें तो फिर वे किसी भी ब्राउजर या जोहो पेरोल एप्लीकेशन से अपना सेल सर्विस पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर एम्प्लॉयज अपना हाल ही पे स्लिप डिटेल्स, रीइंबर्समेंट क्लेम्स, टैक्स लायबिलिटी और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डिडक्शंस का सार देख सकते हैं। सैलरी डिटेल सेक्शन में एम्प्लॉयज अपना सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं और यहां से अपना पे स्लिप्स और टीडीएस शीट देखकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। एनुअल अर्निंग्स टैब में एम्प्लॉयज अपना सैलरी का सारांश ग्राफ में देख सकते हैं। ईपीएफ ईएसआई का सारांश भी आपको यहां से देखने को मिलेगा। रीइंबर्समेंट सेक्शन में एम्प्लॉयज अपने रीइंबर्समेंट डिटेल्स देख सकते हैं और रीइंबर्समेंट क्लेम सबमिट भी कर सकते हैं। एडमिन यूजर की तरफ से जब आईटी डिक्लेरेशन या प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलीज कर दिया जाए तब एम्प्लॉयज उन्हें इन्वेस्टमेंट टैब से भर के जमा कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय ने लोन या सैलरी एडवांस लिए हैं तो उनकी जानकारी एम्प्लॉय यहां से देख सकते हैं। एडमिन पोर्टल से फॉर्म 16 जनरेट होने के बाद एम्प्लॉयज अपना फॉर्म 16 यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। अब आइए समझें कि कैसे एम्प्लॉयज को दिए गए लोन्स या सैलरी एडवांस को जोहो पेरोल पर रिकॉर्ड किए जाएं जिससे हर महीने आप ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज के सैलरी से किस्त काट सकते हैं। लोन्स को रिकॉर्ड करने के लिए पहले आप लोन टाइप क्रिएट कर लेंगे। जोहो पेरोल में आप अलग अलग नाम से लोन बना सकते हैं। इसके बाद आपको अगर किसी एम्प्लॉय को लोन देना है तो आप रिकॉर्ड लोन पर क्लिक करके यहां से आप लोन की जानकारी सिस्टम में डाल सकते हैं, जैसे कि किस प्रकार का लोन है, एम्प्लॉय का नाम, लोन अमाउंट और डिसबर्समेंट डेट यानी जिस दिन आपने एम्प्लॉय को लोन क्रेडिट किया था, किस्त का मूल्य और जिस महीने से आपको किस्त की कटौती करनी है। इन सब के डिटेल्स भरने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। लोन रिकॉर्ड करने के बाद स्टार्ट डेट के मुताबिक जोहो पेरोल लोन की किस्त की कटौती ऑटोमेटिकली हर महीने के पेरन में करता जाएगा। किसी भी वक्त आप यहां से सारे चालू लोन्स का लिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय ने डायरेक्टली आपको लोन अमाउंट लौटा दिया है तो वो आप रिकॉर्ड रीपेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके जमा कर सकते हैं। अगर लोन की कटौती कुछ समय के लिए रोकनी हो वो भी आप पॉज इंस्टॉलमेंट ऑप्शन से कर सकते हैं। अंत में अब हम चलते हैं रिपोर्ट्स मॉडल की ओर। पेरोल प्रोसेस से जुड़े सारे रिपोर्ट्स जिनकी आमतौर पर सभी कंपनीज को जरूरत पड़ती है जोहो पेरोल ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। ये सैलरी रजिस्टर मंथली रिपोर्ट है जिसमें एम्प्लॉयज को दिए गए सैलरी का पूरा ब्रेकअप आप देख सकते हैं। इन सारे रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और स्टैटरी रिपोर्ट्स कैटेगरी में आप वो सारे रिपोर्ट्स पा सकते हैं जिनको समय समय पर आपको स्टैटरी रूल्स के तहत सरकारी वेबसाइट में फाइल करना पड़ता है। क्योंकि ये रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं आपको ये मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ईपीएफ ईसीआर रिपोर्ट, इसको आप ईसीआर फॉर्मेट में ही डाउनलोड करके ईपीएफ फाइलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एम्प्लॉयज रिपोर्ट, डिडक्शन रिपोर्ट्स,
टैक्स एंड फॉर्म्स, एक्टिविटी रिपोर्ट जैसे कई और रिपोर्ट्स भी आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ दिए गए सारे रिपोर्ट्स में आप वर्क लोकेशन, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, पेरेंट स्टेटस और एम्प्लॉय स्टेटस के फिल्टर डालकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप इस क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके हमारे यूजर गाइड और FAQ डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। डेमो बुकिंग या कॉल रिक्वेस्ट के लिए आप कॉन्टैक्ट अस ऑप्शन इस्तेमाल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम इस सेशन के अंत में आ चुके हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन दिलचस्प और जानकारी पूर्वक लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से जोहो पेरोल को जानने में मदद मिली तो वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के अपडेट्स तुरंत मिलने के लिए बेल आइकन पर हिट करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।